गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग आज कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स में नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आप अपने एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर 7, 8 और 9 के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं भी इसी के साथ आपके चैप्टर की क्या हो जाएगी, इस एक्सरसाइज की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। हम लोगों ने इसमें कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जाना, उसके कितने क्राइटेरियाज होते हैं वो भी जाने और उसके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। आज मैंने आपको 3 एग्जांपल यहाँ से पिक किए हैं आपकी बुक के एग्जांपल नंबर 7, 8 और 9। आप अपनी बुक को देख सकते हो कि कौन से एग्जांपल्स को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें कह रहा है कि इस डायग्राम में डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से सी बी इज परपेंडिकुलर ए बी, इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कह रहा है AC is equals to BD, तो ये रही हमारी AC साइड, ये इक्वल है किसके, BD। अब आगे हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव करके बताइए ट्रायंगल ABC, यानी ये जो ट्रायंगल है ABC, ये दूसरे ट्रायंगल BAD इस ट्रायंगल के कॉन्गेंट है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था जो ट्रायंगल आपको कॉन्गेंट प्रूव करने हैं आपको उन दोनों ट्रायंगल को लिखना होगा, इन ट्रायंगल ABC और कौन सा दोनों ट्रायंगल लेना है आपको, ट्रायंगल BAD। अब इसमें कोई तीन चीजें, कोई तीन पेयर अगर हमें इक्वल मिल जाएंगी तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्गेंट हो जाएंगे। अगर आप सबसे पहले देखें तो इस ट्रायंगल में एंगल A यानी कि DAB, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, और दूसरा एंगल इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें CBA यानी एंगल CBA दोनों क्या है आपके, 90 डिग्री। क्यों है, आपको रीजन भी लिखना होगा, क्योंकि DA इज परपेंडिकुलर टू AB, दूसरी बार CB इज परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए ये दोनों एंगल कितने होंगे आपके, 90 डिग्री के होंगे। 90 डिग्री के क्यों है, मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया है, क्योंकि DA परपेंडिकुलर AB पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और CB परपेंडिकुलर AB पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, पहला पेयर मिल गया। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये साइड और इसमें ये साइड आपकी क्वेश्चन में गिवन की इक्वल है, यानी AC इज इक्वल टू BD। क्यों, क्योंकि ये चीज आपको क्या है, गिवन है, दो चीजें। तीसरी अगर आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड, दोनों ही ट्रायंगल में ये साइड क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, इसका मतलब है आपका AB जो साइड है वो AB के ही इक्वल है। और क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में वो साइड क्या है, कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से आपके ट्रायंगल क्या हो गए, कॉमन। तो इसका मतलब है ट्रायंगल ABC इज कॉन्गेंट टू ट्रायंगल BAD। आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, साइड एंगल साइड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास दो ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दूसरा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपका, पी क्यू आर। चलिए इसमें क्या क्या गिवन है देखते हैं, कॉन्ग्रेंसी हमें प्रूव कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक्स वाई थ्री है, क्या यहाँ पे कोई थ्री है, बिल्कुल पी आर, यानी जो एक्स वाई है वो पी आर के इक्वल है और कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 5 है, क्या इधर कोई 5 है, बिल्कुल है, यानी यहाँ पे जो वाई जेड है वो दूसरे ट्रायंगल में पी क्यू है और कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 दिया एक्स जेड, क्या यहाँ 4 है, बिल्कुल है, यानी ये जो आपकी एक्स जेड साइड है ये आपके क्यू आर के इक्वल है, वो भी कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये चीजें हमें क्या है, गिवन थी, ये आपको लिखना होगा कि ये तीनों चीजें गिवन है। तो साइड 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 से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्गेंट टू, एक्स वाई जेड इज कॉन्गेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आपने क्राइटेरिया कौन सा यूज किया है, क्राइटेरिया यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है ट्रिपल एस का, ट्रिपल एस का मतलब है यहाँ पे साइड साइड साइड। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है डायग्राम आपको दिख रहा है, पहले तो हमें ये बताना है इसमें कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गेंट हैं तो कॉन्गेंट भी हमें प्रूव करना होगा। तो क्वेश्चन में कौन से दो ट्रायंगल के नेम दे रहे हैं वो नेम लिख लेते हैं। हमसे कह रहा है इसमें ट्रायंगल एओसी इसको कॉन्गेंट प्रूव करके दिखाइए ट्रायंगल बीओडी के, पहले तो ये प्रूव करिए इसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। अब इस ट्रायंगल में कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल्स की, तो मैंने आपको बताया जो ट्रायंगल क्या है प्रूव करने को पहले उसको लिखना होगा।
इन एओसी एंड ट्रायंगल बीओडी, हम एओसी और बीओडी में लेने जा रहे हैं, क्या करना है देखिए। सबसे पहले ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ऐसे जो एंगल होते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती, मैंने लाइंस और एंगल्स में आपको बताया था, तो एक दूसरे के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी यहाँ पर आपका एंगल एओसी ये इक्वल हो जाएगा एंगल बीओडी के, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये चीज यहाँ पे मेंशन करनी होती है मैथ्स में, हर चीज जो आप करते हो पहली चीज मिली। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपकी ये जो एओ है ये बीओ के इक्वल है, तो हमारे यहाँ पे एओ जो है वो बीओ के इक्वल हो जाएगी, ये चीज हमें गिवन है। आपको एक और तीसरी चीज हमें इक्वल मिल जाए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स। ध्यान से देखिए, ये एंगल 30 डिग्री का है और इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री का है। इसका मतलब एंगल सी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी डी, क्यों 30 डिग्री के हैं और ये चीज कहाँ से पता चली, हमें गिवन थी। अब यहाँ पे देखिए, एंगल साइड एंगल से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ए ओ सी इज कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल बी ओ डी। कौन सी क्राइटेरिया लगाया मैंने, एंगल साइड एंगल। एक चीज और, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे क्राइटेरिया, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, एक चीज यहाँ पे मिस हो गई है आपकी। जब मैंने आपको बताया था ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेक्स है, पर मैंने आपको एक क्राइटेरिया पढ़ाया था, एक्चुअल में ये जो साइड है आपकी 90 डिग्री वाली, ये हाइपोटेनस है। एसी जो है वो आपकी बीडी के इक्वल है यहाँ पे, और ये दोनों क्या है आपकी हाइपोटेनस है, और एक एंगल 90 है, तो जब कभी 90 और हाइपोटेनस आता है तो वो क्राइटेरिया आपका हो जाता है RHS, यानी राइट हैंड साइड राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, मैंने ध्यान नहीं दिया 90 डिग्री होता था। फिर इसके बाद यहाँ पे ये ट्रायंगल तो हमारे हो गए कॉन्वेक्स। अब हमसे कह रहा था इसमें वैल्यू निकाल के बताइए एक्स और वाई की। अब मैंने आपको बताया था अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्वेक्स हो जाते हैं तो बाय सीपीसीटी यानी बाय करस्पोंडिंग, जो मैंने बताया था करस्पोंडिंग कॉन्वेक्स ट्रायंगल से, उन दोनों ट्रायंगल के हर एंगल हर साइड आपस में इक्वल हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो ओसी है ये ओडी के इक्वल हो जाएगी, ओसी इज इक्वल्स टू ओडी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी यहाँ पे एसी जो है वो आपकी इक्वल हो जाएगी बीडी के, AC is equals to BD। अब आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना होगा by CPCT। CPCT का मतलब है by corresponding congruent triangle से मैंने क्या कर दिया, उन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे मैंने उनके पेयर्स इक्वल दिखा दिए। अब OC की वैल्यू यहाँ पे गिवन हमें कितनी है, OC हमें यहाँ पे गिवन थी 13, एक्चुअल में ये 13 गिवन थी क्वेश्चन में, आप डायग्राम में देख सकते हो, तो OC is equals to 13 था, ये इक्वल हो जाएगा किसके, x माइनस 7 के। ठीक है, अब ये 7 इधर आएगा, ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का 7 इधर आएगा प्लस का, 13 में 7 ऐड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर सीपीसीटी से। दूसरा, AC जो है वो BD के इक्वल है, यानी कि 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू, ये BD भी आपकी क्वेश्चन में गिवन है और BD गिवन है यहाँ पे हमारी 15, मैंने लिखा नहीं है, BD 15 गिवन है, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 15 के। अब 7 जो है वो ट्रांसपोज हो जाएगा इधर, तो ये प्लस का था उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2y = 15 में 7 माइनस करेंगे 8, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो y = कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपने इन एग्जांपल्स में ये भी देखा कि कॉन्वेंसी कैसे होती है और कॉन्वेंसी के अलावा कैसे हम सीपीसीटी का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीपीसीटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने कॉन्वेंसी का पार्ट को फिनिश करते हैं। थैंक यू।